YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अगस्त को आप किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 8 अगस्त को किस तरह से ट्रेडिंग हुआ है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक ब्यूटीफुल रेड कैंडल बनता है, फिर यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है। देखिए ये कैंडल जो है इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर तो ये बायर पूरा तरह से आ चुका है। इस कैंडल का ये जो वीक है ये तो रिजेक्ट हो चुका है बायर के द्वारा पहले ही, तो ये रिजेक्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जो भी इस कैंडल को देख करके सेल किए होंगे उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किया गया, उसे ट्रैप किया गया और फिर एक फ्रेश मोमेंटम देखने मिला और फिर यहाँ पर एक ब्यूटीफुल रेड कैंडल बनता है। इसे देख करके, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर सप्लाई जोन था, यहाँ पर आप पीछे जाएंगे तो ये सप्लाई जोन के पास एक देखिए यहाँ पर एक सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था और इस सप्लाई जोन के पास ये रेड कैंडल बनता है और इस रेड कैंडल पर जिन्होंने भी सेल किया होगा उन्हें फिर से ट्रैप किया गया, क्योंकि सप्लाई जोन पे हमें सिखाया जाता है कि जब प्राइस सप्लाई जोन पे हो वहां पर हमें जैसे एंट्री कैंडल मिलता है तो यहाँ इंटर करना है। तो एंट्री मैंने यहाँ किया और देखिए अगले बार ही यहाँ पर ट्रैप कर दिया गया। तो यहाँ दो दो बार सेलर का ट्रैपिंग हुआ। एक बार यहाँ पर जब छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे देखिए कितना ब्यूटीफुल रेड कैंडल बना था, इसको ट्रैप किया गया। फिर देखिए यहाँ पर 5 मिनट पर भी ये ब्यूटीफुल रेड कैंडल बना है और यहाँ देखिए पिछले रेड कैंडल के लो को भी ब्रेक किया है, तो फिर से इसको ट्रैप किया गया। तो यहाँ बार बार जो है सेलर को ट्रैप किया गया और बैंक निफ्टी यहाँ पर वन साइडेड मूव किया। फिर इसे यहाँ पर एक स्विंग बना जो कि ऊपर की साइड बना और लास्ट टाइम में देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज ट्रेड किया। तो पहले बैंक निफ्टी वन साइडेड मूव किया और लास्ट के लगभग 2 से 2.5 घंटे बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड किया है। तो अब इस रेंज को अगर ऊपर की ओर बैंक निफ्टी निकालता है, अगर ये 38,300 के ऊपर निकलेगा फ्लैट ओपन होने के बाद, देखिए फ्लैट ओपन हो इसी के आसपास ओपन हो क्लोजिंग के आसपास और 38,300 के निकाले तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले से अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में रहने पर अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता तो बाय कर सकते हैं, या तो आप जो है गैप अप या गैप डाउन होने के बाद प्राइस सेक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर प्राइस सेक्शन के हिसाब से अगर आप 5 मिनट चार्ट पर ट्रेड करते, थोड़ा सा वेट करके 10-15 मिनट, तो आप यहाँ पर ट्रैप होने से बच सकते थे। तो उसी तरह से आपको पहले देखना है प्राइस एक्शन किस हिसाब से बनता है गैप डाउन या गैप अप ओपन होने के बाद। अब देखिए अगर ये बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है उसके बाद नीचे के रेंज को ब्रेक करता है, नीचे का इसका रेंज है 38,150 का, अगर 150 के लेवल को निकालता तो फिर आप इसको 38,000 के लेवल के लिए सेल कर सकते हैं। मुख्य रूप से सेलिंग कब आएगा तो जब ये 38,000 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो देखिए ये 38,000 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम बेयरिश हो जाएंगे बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिए। तो 38,000 के लेवल को निकालता है तब हम इसको सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर वेट करना है। 38,000 के लेवल को निकालता है तो इसके नीचे सस्टेन करने देना है, सस्टेन होने के बाद हमें सेल करना है। तो देखिए लाइव मार्केट में या तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करिए, जिस तरह का लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन बनेगा, या तो जो मैं लेवल बता रहा हूँ तो उस लेवल के ट्रिगर होने पर आपको ट्रेड करना है लेवल के अनुसार। फ्लैट ओपन हो और अगर ये 150 के लेवल को ब्रेक करता है तो 38,000 के लिए हम इसको सेल करेंगे बैंक निफ्टी को। 38,000 के लेवल को निकाल करके इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर हम अब बेरिस हो जाएंगे बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिए, फिर हमारा ट्रेड जो होगा वो बेरिस होगा जब तक कि रिवर्सल ना दिख जाए। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 38,300 के लेवल को ऊपर निकालता है तो फिर हम इसको बाय करेंगे, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप हो जाता है तो वहाँ पर प्राइस सेक्शन के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। हो सकता है गैप अप हो तो जिन्होंने भी यहाँ पर बाय करके गया उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हमें थोड़ा सा पहले हाफ में हमें बैंक निफ्टी जो है नीचे आता हुआ देखने मिल सकता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर अपने ट्रेंड को सेकेंड हाफ में कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की ओर। तो गैप अप या गैप डाउन होने के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। इसी सिंपल एनालिसिस के साथ हमें ट्रेड करना है, प्राइस को ट्रेड करना है, प्राइस के साइकोलॉजी को देखते हुए हमें ट्रेड करना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।